हेलो एंड वेलकम गाइज ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज क्या हालचाल, उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो गाइज आज मैं बनाने वाला हूँ एक किले फार्म जिसमें आप मड ब्लॉक से किले जनरेट कर सकते हो। आपको पता होगा 1.19 में जो न्यू ब्लॉक मड को ऐड किया गया है, हम उससे किले बना सकते हैं। तो गाइज काफ़ी सिंपल सा फार्म है और इस छोटे से किले फार्म को बनाने के लिए आपको जिस जिस आइटम की ज़रूरत पड़ेगी आप सिंपली चेस्ट के अंदर देख सकते हो। आपको चाहिए 2.5 स्टैक बिल्डिंग ब्लॉक, 10 पिस्टन, 1 ऑब्जर्वर, 1 डिस्पेंसर, 4 चेस्ट, 3 हॉपर, 2 रेडस्टोन टॉर्च, 20-25 आपको चाहिए रेडस्टोन डस्ट, 1 रेडस्टोन कंपरेटर, 4 रेडस्टोन रिपीटर, आपको 1 ग्लास ब्लॉक और 5-6 टॉर्च चाहिए। उसी के साथ गाइज आपको खाली ग्लास बॉटल चाहिए आपसे जितनी भी हो सके, 1 वाटर बकेट और आपको कम से कम 2 स्टैक ड्रिप स्टोन चाहिए। अभी गाइज फार्म बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक बिल्डिंग ब्लॉक लगाना है, उसके ऊपर एक पिस्टन लगा देनी है और बिल्डिंग ब्लॉक के नीचे एक रेडस्टोन टॉर्च लगा देनी है। उसके साइड में 2 बिल्डिंग ब्लॉक लगाकर उनके ऊपर रेडस्टोन डस्ट बिछा देना है। उसके आगे के आपको 3 ब्लॉक तोड़ने हैं और उधर एक डबल चेस्ट लगाकर उसके पीछे क्राउच होकर एक हॉपर कनेक्ट कर देना है। हॉपर की साइड में आपको 3 ब्लॉक फिर से डिक करने हैं और चौथे ब्लॉक को तोड़कर उसकी जगह आपको एक सॉलिड ब्लॉक लगा देना है, उससे एक रेडस्टोन टॉर्च कनेक्ट कर देनी है। हॉपर के साइड में 1 सॉलिड ब्लॉक लगाकर उसके ऊपर रेडस्टोन कंपरेटर लगा देना है और उसके पीछे रेडस्टोन रिपीटर। अभी गई रेडस्टोन टॉर्च के ऊपर 1 ग्लास ब्लॉक लगाकर उसके आगे एक सॉलिड ब्लॉक लगा देना है। उन तीनों के ऊपर आपको रेडस्टोन डस्ट बिछा देना है। अभी कंपरेटर के साथ आपको एक हॉपर कनेक्ट कर देना है और उस हॉपर के ऊपर क्राउच होकर आपको एक डिस्पेंसर लगा देना है। अभी गई जिस डिस्पेंसर के ऊपर आपको एक और हॉपर लगाना है और उस हॉपर के ऊपर आपको एक डबल चेस्ट कनेक्ट कर देनी है। तो गई अभी अपने किले जनरेटर के लिए सॉर्टिंग सिस्टम रेडी है। अभी ये ठीक से बना है, इसको चेक करने के लिए आपको इस वाले हॉपर में पीछे की तरफ 4 कोई भी बिल्डिंग ब्लॉक लगा देनी है, मतलब कोई ब्लॉक रख देने हैं। और पहले वाले खाने में आपको 41 यानी कि 41 से ज्यादा गिलास बॉटल रखनी है। अगर गाइज उसमें 41 गिलास बॉटल बचे तो मतलब अपना सॉर्टिंग सिस्टम ठीक से वर्क कर रहा है। तो गाइज अपना सॉर्टिंग सिस्टम बिल्कुल ठीक बना है। अभी इसके बाद आपको बिल्डिंग ब्लॉक लेने हैं और इस वाले हॉपर से आपको 10 बिल्डिंग ब्लॉक आगे की तरफ लगा देने हैं। और गाइज 10 बिल्डिंग ब्लॉक लगाने के बाद आपको पीछे से 9 बिल्डिंग ब्लॉक पर पिस्टन लगानी है, यानी कि 9 बिल्डिंग ब्लॉक पर। अभी गाइज इधर आपको एक बिल्डिंग ब्लॉक लगाना है और उस ब्लॉक पर आगे की तरफ फेस करता हुआ एक ऑब्जर्वर लगा देना है। अभी इसके बाद इस ऑब्जर्वर के पीछे आपको 3x3 करके 9 बिल्डिंग ब्लॉक लगाने हैं। उसके बाद गाइज इस ऑब्जर्वर को पिस्टन्स के साथ कनेक्ट करना है, उसके लिए इधर आपको एक रेडस्टोन डस्ट बिछाना है, उसके आगे एक रेडस्टोन रिपीटर लगाकर इधर साइड में 2 अपोजिट साइड में रेडस्टोन रिपीटर लगा देने हैं और उनको आपस में रेडस्टोन डस्ट से कनेक्ट कर देना है। अभी गाइज इधर भी आपको कुछ बिल्डिंग ब्लॉक लगाने हैं और हमने जो ये पिस्टन्स लगाई हैं इन सभी के पीछे आपको 1-1 बिल्डिंग ब्लॉक लगा देना है, जिससे इन पिस्टन्स को आपस में एक साथ कनेक्ट कर सकें। और गाइज इस वाले रेडस्टोन रिपीटर से आपको रेडस्टोन डस्ट ले जाना है और सभी पिस्टन्स को आपस में एक साथ रेडस्टोन डस्ट से कनेक्ट कर देना है। और गाइज इनको बनाते टाइम आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपने इधर जो रेडस्टोन रिपीटर लगाए हैं उनको आपको ठीक से लगाना है। अभी गाइज आपको चेस्ट के आगे से 2 ब्लॉक नीचे तक आगे की तरफ 10 ब्लॉक को डिप करना है, यानी कि आपको पिस्टन के आगे के सभी ब्लॉक्स को तोड़ देना है नीचे 2 ब्लॉक की हाइट तक। अभी 10 ब्लॉक की लेयर को तोड़ने के बाद गाइज आपको इस तरफ से 12 ब्लॉक की लेयर को तोड़ना है 2 ब्लॉक की हाइट तक, और आपको इन पिस्टन्स के आगे के 10x12 के 2 ब्लॉक नीचे के एरिया को क्लियर कर देना है, मतलब डिक कर देना है। तो गाइज इस तरीके से 10x12 का एरिया बनाने के बाद आपको इसके अंदर कुछ टॉर्च प्लेस कर देनी है, जिससे इसके अंदर अंधेरा ना रहे और कोई मॉब स्पॉन ना हो। अभी उसके बाद गाइज इधर से आप 1 ब्लॉक तोड़ देना जिससे आप इसके अंदर आ जा सको। तो गाइज इतना काम होने के बाद आपको ऑब्जर्वर के आगे 9 यानी कि 9 बिल्डिंग ब्लॉक लगाने हैं, और गाइज इन 9 बिल्डिंग ब्लॉक को आगे की तरफ आपको 12 बिल्डिंग ब्लॉक तक और एक्सट्रैक्ट करना है, यानी कि आपको आगे की तरफ 12 बिल्डिंग ब्लॉक और लगाने हैं। और गाइज इधर एक 9x12 का प्लेटफॉर्म बना लेना है। तो गाइज इस तरीके से 9x12 का प्लेटफॉर्म बनाने के बाद आपको अभी इसके नीचे आ जाना है और आपको ड्रिप स्टोन ले लेने हैं। उसके बाद गाइज आपको हर एक बिल्डिंग ब्लॉक के नीचे 1-1 ड्रिप स्टोन लगा देना है, और गाइज आपको ध्यान रहे आपको एक भी बिल्डिंग ब्लॉक के नीचे ड्रिप स्टोन लगाने से छोड़ना नहीं है, वरना इसके ऊपर किले जनरेट नहीं होगा।
तो गाइज इस तरीके से हर एक बिल्डिंग ब्लॉक के नीचे ड्रिपस्टोन लगाने के बाद अपना एक किले फार्म या किले जनरेटर बनकर बिल्कुल ही रेडी हो चुका है। अभी गाइज इसको यूज करने के लिए आपको किधर भी एक ब्लॉक को टिक कर देना है और उधर एक बकेट ऑफ वाटर डाल देनी है। अभी गाइज आपको खाली गिलास बॉटल लेनी है और उन सभी गिलास बॉटल के अंदर आपको पानी भर लेना है। उसके बाद गाइज हमने डिस्पेंसर के ऊपर जो चेस्ट कनेक्ट करी थी उस चेस्ट के अंदर आपको वाटर बॉटल भर देनी है और उस चेस्ट को वाटर बॉटल से फिल कर देना है। उस चेस्ट को कंप्लीट वाटर बॉटल से भर देना है। उसके बाद गाइज अपना किले फार्म यूज करने के लिए रेडी हो चुका है। अभी यूज करने के लिए आपको डर्ट ब्लॉक लेने हैं और इस वाले ब्लॉक पर खड़ा हो जाना है। उसके बाद गाइज आपको पिस्टन के आगे डर्ट ब्लॉक प्लेस करते रहने हैं और गाइज डिस्पेंसर उन डर्ट ब्लॉक के ऊपर वाटर डालकर उनको मड ब्लॉक में कन्वर्ट करता रहेगा और गाइज वो मड ब्लॉक आगे किले में कन्वर्ट होते रहेंगे। तो गाइज जब आप डर्ट को मड में कन्वर्ट करते जाओगे और कोई डर्ट ब्लॉक मड में कन्वर्ट ना हो तो समझ जाना चेस्ट के अंदर वाटर बॉटल खत्म हो चुकी हैं। उसके बाद गाइज आप नीचे वाली चेस्ट से खाली गिलास बॉटल कलेक्ट करना और उन खाली गिलास बॉटल में फिर से वाटर भरने के बाद उनको चेस्ट के अंदर डाल देना। अभी गाइज चेस्ट के अंदर वाटर बॉटल फिल करने के बाद आप फिर से मड जनरेट करना स्टार्ट कर देना और इस वाले ब्लॉक को भी मड में कन्वर्ट कर देना। अभी गाइज जैसे ही कंप्लीट प्लेटफॉर्म पर मड जनरेट हो जाएगा तो पिस्टन आगे की तरफ डर्ट ब्लॉक को पुश नहीं करेगी। उसके बाद गाइज ये जितने भी मड ब्लॉक है ये धीरे धीरे किले में कन्वर्ट हो जाएंगे। नीचे लगे ड्रिपस्टोन इनके अंदर के पानी को सोख लेंगे और इनको किले में बदल देंगे। आप जैसे ही थोड़ी देर वेट करोगे तो ये कम्प्लीट प्लेटफॉर्म किले में बदल जाएगा। उसके बाद गाइज आप इस किले को सिल्क टच वाली सवल से कलेक्ट करोगे तो आपको कम्प्लीट किले ब्लॉक मिलेगा और यदि आप इसको फॉर्च्यून वाली सवल से कलेक्ट करोगे तो आपको एक्स्ट्रा किले मिलेगी। वैसे आप इस किले को इधर से बिना सवल के भी कलेक्ट कर सकते हैं तो आपको इधर से सभी किले को कलेक्ट कर लेना है। और गाइज कंप्लीट किले को कलेक्ट करने के बाद आपको फिर से उसी तरीके से इधर खड़े होकर फिर से मड जनरेट करना है और फिर से उसको किले में कन्वर्ट कर उसको कलेक्ट कर लेना है। तो गाइज इसी तरीके से अपना किले फार्म या किले जनरेटर बनकर रेडी हो चुका है। तो गाइज आप भी सिंपल से किले फार्म को अपने सर्वाइवल वर्ल्ड या सर्वर वगैरह में बना सकते हो। अगर गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।